अस्सलाम वालेकुम बेटा। अरे बेटा मेरी आवाज आ रही है? अरे यस सर, आ रही है। ओके बेटा, तो जहां से हमने किया था खत्म, हमने दो फाइलम कर लिए थे। थर्ड फाइलम हमने करना है, लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड के साथ कि हमने थर्ड फाइलम कौन सा करना है, हम कहां तक पहुंचे हैं। अगर आपको याद हो तो हमने सबसे पहले कहा था कि जितने भी लिविंग जितने भी एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स इनके बेटा दो ग्रुप थे पहले। मैं दोबारा थोड़ी सी बैकग्राउंड समरी आपको दे रहा हूं। दे वर प्रोटोजोन्स एंड मेटाजोन्स। प्रोटोजोन्स नौ इन प्रोटिस्टा, यानी कि पहले एनिमल दो टाइप के थे। प्रोटोजोन वो कहां पर है आजकल? प्रोटोजोन को आजकल हम प्रोटिस्टा में देखते हैं। तो आज प्रेजेंट डे ऑल एनिमल्स आर मेटाजोन्स। सारे जो आज के जमाने के ऑर्गेनिज्म है उनको हम कहते हैं कि वो मेटाजोआ में है, उनको मेटाजोन्स कहते हैं। फिर हमने कहा था कि मेटाजोन्स आगे दो टाइप्स के होते हैं, उनमें से एक टाइप थी दैट वाज कॉल्ड पैराजोआ। ये वो चीजें जो हम डिस्कस बेटा कर चुके हैं। पैराजोआ पैराजोआ हमने इनके बारे में कहा था, नो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, नो सिमेट्री, नो सिमेट्री, ओनली वन फाइलम, एक फाइलम है इस ग्रुप में एंड दैट फाइलम इज पोरिफिरा, विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्पॉन्जीज। तो बेटा ये पहला ग्रुप हमने ये डिस्कस किया था। फिर हमने कहा जी बाकी जो ऑर्गेनिज्म है उनको हम कहते हैं यू मेटाजोआ, यू मेटाजोआ। और यू मेटाजोआ में हमने बोला था देयर इज अ टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जब टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन होती है तो टिश्यूज कंबाइन करके ऑर्गन्स बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं, यानी कि ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स है। फिर हमने कहा हैव सिमेट्री, हैव रेगुलर सिमेट्री, इनमें रेगुलर सिमेट्री होती है और ये आपको पता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे मल्टी सेलर होते हैं, यानी कि प्रोटोजोआ तो थे वो यूनिसेलुलर थे और मेटाजोआ होते हैं वो मल्टी सेलर होते हैं। यानी कि आज हम जो भी ऑर्गेनिज्म होगा, जो एनिमल होगा, वो यूनिसेलुलर नहीं होगा, वो मल्टी सेलर होगा। ठीक है, तो अब हम कहते हैं कि ये जो मेटाजोआ हैं ये आगे बेटा दो टाइप्स के हैं फर्दर। इनमें एक मेटाजोआ का ग्रुप वो था जिसको हमने कहा था, पहली खत्म हो, ग्रेड रेडिएटा, यानी कि जो यू मेटाजोआ हैं जो एडवांस ऑर्गेनिज्म थे थोड़े से कॉम्प्लेक्स है, ग्रेड रेडिएटा, इसमें हमने कहा था दे हैव रेडियल सिमेट्री, क्योंकि यहां पर हमने कहा है कि उनकी कोई रेगुलर सिमेट्री होगी, तो ये भी रेगुलर सिमेट्री वाले हैं, ये भी रेगुलर सिमेट्री वाले हैं। दो ग्रेड थे, दो ग्रुप्स थे, ग्रेड बाइलेटेरिया। ये बातें बार बार रिपीट करने का मकसद है कि आपको कम से कम एक थोड़ा सा बैकग्राउंड पता चल जाए कि ये जो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं वो पहलों से कैसे मुख्तलिफ है, पहले वाले जो ग्रुप थे उनमें से कितना फर्क है इनमें। तो इसलिए बार बार ये चीज रिपीट करनी है। सेम मैंने प्लांट्स में भी ऐसे किया था कि जब भी नए ग्रुप को स्टार्ट करता था तो फिर ये प्रीवियस ग्रुप की थोड़ी सी हिस्ट्री साथ में ऐड करते थे। तो ग्रेट बायलेटेरिया, उसमें बायलेटरल सिमेट्री हमने बोला था, बायलेटरल सिमेट्री, इसमें रेडियल सिमेट्री हमने कहा था पहले वाले ग्रुप में रेडिएटा में, इसमें हमने कहा था ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक हमने कहा था, ओनली वन फाइलम, एक फाइलम है इस ग्रुप में और उसका नाम था नाइडेरिया, नाइडेरिया।
या जिसको सीलेंट्रेटा भी कहा था। डिटेल से हमने पढ़ लिया था इसको। आगे बेटा दूसरा ग्रेट बायलेटेरिया। एक्चुअली आज हम ग्रेट बायलेटेरिया स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि ग्रेट रेडिएटा हमने खत्म कर लिया था, ग्रेट बायलेटेरिया आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ग्रेट बायलेटेरिया में हमने कहा था इनकी बायलेटरल सिमेट्री है, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, उनमें ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, तीन लेयर्स होती हैं एक्टोडर्म एंडोडर्म और मीजोडर्म, ये तीन लेयर होती हैं उनकी। और अब हमने कहा था जी ग्रेट बायलेटेरिया जो है इसकी आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, बल्कि तीन टाइप्स हैं, इसकी आगे फर्दर तीन टाइप्स हैं इसकी ग्रेट बायलेटेरिया की। ग्रेट बायलेटेरिया की तीन टाइप्स हैं, जैसे यू मेटाजोआ की दो टाइप्स थी, जैसे मेटाजोआ की आगे दो टाइप्स थी। इस तरीके से जितनी भी ये क्लासिफिकेशन है ये हमारे पास फिंगर टिप्स में होनी चाहिए कि कौन सा ग्रुप क्या है। तो ग्रेट बायलेटेरिया की तीन टाइप्स हैं। आज हम ग्रेट बायलेटेरिया का पहला ग्रुप पढ़ेंगे जिसको हमने कहा था ए सिलोमेट, ए सिलोमेट। दूसरे को हमने कहा था सुडो सिलोमेट, सुडो सिलोमेट। और तीसरे को हमने कहा था ट्रू सिलोमेट या सिलोमेट। इसमें हालांकि ये भी ट्रिप बेटा देखें ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तीनों ही, तीनों में बायलेटरल सिमेट्री है, लेकिन नो सिलोम फाल्स सिलोम। और फाल्स सिलोम क्या होती है डिस्कस कर चुके हैं। ट्रू सिलोम ये, तो आज का जो हमारा ग्रुप है वो बेटा वो ये है ए सिलोमेट। आज हम सारा जो कुछ डिस्कस करेंगे वो ए सिलोमेट के बारे में होगा। ए सिलोमेट क्या होते हैं, ये आज के लेक्चर की पुरानी जो समरी थी वो मैंने यहां तक आपको बताई है। इस लाइन से नीचे मैं आज की बात करूंगा, ये वो बातें थी जो मैं पहले आपको बता चुका हूं। जस्ट आज रिकॉल किया है कि हम यहां तक पहुंचे हैं, हम ट्रिप्लोब्लास्टिक पढ़ने लगे हैं, हम बायलेटेरिया पढ़ने लगे हैं। बायलेटेरिया में पहला ग्रुप हम पढ़ने लगे ए सिलोमेट, और इसमें एक ही फाइलम है, ओनली वन फाइलम, ओनली वन फाइलम। नाम है उसका प्लेटी हेलमेंथीज। प्लेटी हेलमेंथीज, इसमें बेटा प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट, मेरी आवाज आ रही बेटा आपको? हेलो, हेलो सर, ये आ रही है। पहले भी आवाज आ रही है, पहले भी आवाज आ रही थी सर, एकदम से रुक गई थी बीच में। नहीं अभी आप, अभी तक लेक्चर में कोई इशू तो नहीं आया आपको? सर आपकी आवाज आ रही थी लेकिन कट कट के आ रही थी। अभी ठीक है? थोड़ा सा लाइट का एक आया था, जर्क आया था, जिसकी वजह से गड़बड़ हुई है। एनी जी, हम कह रहे हैं ये फ्लैट होते हैं और वर्म लाइक होते हैं। बेटा अगर हम इसको दो साइड्स हैं, मतलब जब ये ऑर्गेनिज्म मूव कर रहा है इसे लीफ की तरह फ्लैट, जब ये मूव कर रहा है तो ये इसकी वेंट्रल साइड है, लोअर साइड, ये इसकी डॉर्सल साइड है। इसका माउथ होता है वेंट्रल साइड पर, एक ही ओपनिंग होती है, जैसे हमने पिछले ग्रुप में कहा था कि एक ही ओपनिंग है, वही उसका माउथ है, वही उसका एनस है, वहीं से फूड जाती है, वहीं से इजेशन होती है। इस ग्रुप में भी ऐसे ही है। तो हमने बोला था कि इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा वो सैक लाइक होगा, पाउच की तरह का होगा। पाउच या सैक लाइक इसलिए कहते हैं कि एक ही ओपनिंग है, वही उसका माउथ है, वही एनस का एनस है। यहां पर भी ऐसे ही है कि अगर एक ऑर्गेनिज्म है ऐसे, मसलन ये प्लेनेरिया ये वाला, अगर ऐसे मूव कर रहा है वाटर में तो उसकी लोअर साइड पर इसका माउथ है।
अपर साइड पर इसका माउथ नहीं है, वही माउथ है, वही एनस है। तो लाइक दैट के ऑर्गेनिज्म जब मूव करता है तो उसका माउथ, ऑर्गेनिज्म जब मूव करता है तो उसका माउथ ऐसे लोअर साइड से यूं नजर आ रहा होता है, ऐसे ये ऐसे लोअर साइड से ऑर्गेनिज्म का माउथ नजर आ रहा है ऐसे। तो ये उसकी बॉडी है फ्लैट सी और ये लोअर साइड से उसका माउथ है। तो यहां से उसका माउथ ओरिजिनेट करता है, ये ओपनिंग उसकी माउथ है और माउथ में से उसका फेरेंक्स जो है वो इवर्ट करता है, बाहर की तरफ आता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि एक्चुअली तो माउथ ऐसे होता है, ये अगर मैं अपने हाथ से आपको दिखा सकूं तो माउथ ऐसे होता है, उसका ओपनिंग होती है, लेकिन कभी कभी माउथ के अंदर से उसका जो फेरेंक्स है वो बाहर की तरफ आ सकता है।